Dale.
नाम है बेटा आपका? आस्था। कौन सी क्लास में आस्था? और मैडम को क्या पढ़ाती हो आप? एबीसीडी मैडम को पढ़ाती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा हमारे जज जो है त्रिलोक जी एक बार और आए, और अगर बच्चों ने कुछ कमी पेशी रही हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, मैं चाह रहा था क्योंकि आप में से काफी लोग लेट आए थे, जो हमारे जज हैं त्रिलोक जी, इनकी शायद पूरी बातें आप सुन नहीं पाए होंगे। अभी मॉडलिंग का पहला सेशन कम्प्लीट हुआ है, इसके बाद दूसरे सेशन के लिए जा रहे हैं, तब तक मैं त्रिलोक जी से बोलूंगा कुछ और आपको लग रहा है कुछ चेंजेस करने हो, कुछ कमी करनी हो या कुछ अच्छा करना हो तो बताएं। सभी लोग ध्यान से सुने कि मैंने सबको बताया था कि यहाँ आके सबको पॉज देना आराम से रुक के, लेकिन आप लोगों की इतनी जल्दी है कि आप यहाँ आए ना रुके, कुछ ऐसा पॉज दिया और सीधा निकल गए। कुछ लोग सीधा यहाँ से आ रहे हैं और वॉक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आओ, पॉज दो, आपकी अच्छी फोटो आएगी, आपको लोग देखेंगे, आप मॉडल हो, आप प्रॉपरली यहाँ वॉक करने के बाद भी यहाँ रुकते हो तो टाइम दो यहाँ पर, और कोई भी चश्मा ना पहने, क्योंकि आपको भी एक्सप्रेशन का पता नहीं चलता है, कोई भी चश्मा पहन के ना आए, और इतनी जल्दी जल्दी ना पहुंच दे कोई भी कि किसी का भी कुछ समझ में ना आए। आप लोग आ रहे हो, देख नहीं पा रहे ठीक से, और आप अपना पहुंच दे के निकल जा रहे हो, आप यहाँ पे आओ, टाइम लो मिनिमम 20 सेकेंड। She got the stalling in her. Not even smiling in her. She got the stalling in her. Himanshu, Himanshu, Himanshu.
रिधिमा आप रेशम के पीछे हो जाओ।
22nd 20 नंबर पर है रेशम तुलानी, 21 नंबर पर है रिद्धिमा जेठानी, 22nd नंबर पर है कनक, 22nd नंबर पर कनक, 23rd नंबर पर है आर्य, आर्य प्रेमचंदानी, 24 नंबर पर है स्वेशा, 25th नंबर पर है आयुष, 25th नंबर पर है आयुष, 25th पे आयुष चंद्रवंशी, इनके पीछे आ जाओ, 26th पर है रोही, 26th रोही, 27th पर है हीर, हीर पेस्वानी, 28th पर है देवर्ष जेठानी, 28th पर है देवर्ष, 29th पर है आरुष, आप लोग बैठ जाइए, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए, सर नहीं हो पा रहा, मैं समझ रहा हूँ क्या कर, 28 देवाश हो गया, 29 आरुष हो गया, 30th ब्लैंक है अभी आ रहे हैं वो, 31st पर है शुभ, 31st शुभ विधानी, अरे वाह शुभ, 32 पर है अबीर, 32 पे अबीर, 33 पर है खुशी, 34 पर है क्रिस्टी, 33 खुशी और 34 पर है क्रिस्टी, 35 पर है नित्या, 35 पर है नित्या, आप सभी को मालूम है कैसे परफॉर्म करना है, जजेस ने बता दिया सीक्वेंस, आप लाइन में लगिए, लाइन पे लगिए, फटाफट लाइन पर आइए, जिस लाइन में थे आप लाइन लगाइए फटाफट फटाफट, क्योंकि आप जाइए, रघुरा राजूगरा राजगुरु, चलिए दीदी आप पीछे जाइए, ठीक है सीक्वेंस से जमे सर, चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड प्लीज, पहले आएंगे रेशम तोलानी, आइए चंदा
चल रहा
smiling in them. इनका नाम तो अनुज है लेकिन ये दिखने में अनुज लगते नहीं है। एंकरिंग में सबसे बड़े भाई के रूप में आरजे अनुज पाठक के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच जो जजेस थे मैं उनसे मिलवा चुका था। आर्ट आर्ट स्टूडियो के हमारे बीच हितेन सर है। हितेन सर खड़े होके आप अगर अभिवादन स्वीकार करेंगे सबका एक बार जोरदार तालियां हमारे डांस के जज के लिए। साथ में एक और जज हमारे डांस के बैठे हैं रोहित जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मॉडलिंग का जो पार्ट चल रहा है मॉडलिंग के लिए जो हमारे बीच जज हैं वो त्रिलोक सर है एक बार जोरदार तालियां त्रिलोक सर के लिए ठाकुर त्रिलोक जी। और मॉडलिंग के हमारे और डांसिंग के एक और जज हैं हमारे बीच हमारी पिंकी दीदी इनके लिए भी जोरदार तालियां। पायल दीदी इस तरफ बैठी हुई हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारा मॉडलिंग में हमारी हेल्प करेंगे इनके लिए भी जोरदार तालियां। और मैंने बता दिया कि नाम से अनुज है लेकिन अनुज है नहीं ये एंकरिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। आपने बिग एफएम में भी इनकी आवाज़ सुनी होगी। पिछली बार जब बिग एफएम नन्हे उस्ताद बिग एफएम बिग मैम साहब का जब प्रोग्राम हुआ था तब सर ने पूरा होस्ट किया था और आज का पूरा कार्यक्रम है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोग शांति से सुनिएगा। दो मिनट के लिए शांत हो जाइए क्योंकि कुछ मिस हो गया तो शायद आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है। एक बार शांति से सुन लीजिएगा दो मिनट के लिए बस शांत दो मिनट के केवल दो मिनट। आज का जो सेशन है
इस सेशन में हम लोग सबसे पहले मॉडलिंग को कर रहे हैं। मॉडलिंग में हमारे पास लगभग 61 नाम है, 61 में से 45 हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी अभी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही मॉडलिंग कंप्लीट होगी हम डांसिंग सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। जितने भी कैंडिडेट, जितने भी पार्टिसिपेंट डांस करना चाहें वो अपना ट्रैक रेडी रखिएगा, मोबाइल पे ट्रैक लेके आप साक्षी मैडम के पास आइएगा, साक्षी मैडम आपका ट्रैक प्ले कराएंगे। जब जो बच्चा डांस करेगा तब नेक्स्ट वाले का नाम हम पहले ही पुकार लेंगे, नेक्स्ट वाले का नाम हम पहले ही पुकार लेंगे ताकि वो बंदा पहले आ जाए और अपना ट्रैक सेट कर ले। जब डांस पूरा खत्म हो जाएगा तो डांस के बाद हम लोग सिंगिंग चालू करेंगे जो 3 बजे से चालू होगा। तो अभी हमारा फोकस किस पे है, मॉडलिंग पे। तो हम नेक्स्ट जो नाम है वो पुकार रहे हैं मॉडलिंग के लिए। जिनके भी नाम अनुज जी पुकार रहे हैं वो स्टेज पे आ जाए और एक रो हम बना लेंगे, रो वाइज हम उनका काम करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं उस व्यक्तित्व के लिए तालियां चाहूंगा जोरदार जिसने अपनी ताकत के साथ बल्कि जनसेवक के रूप में हमेशा कार्य किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो टैलेंट का माध्यम हो, किसी के लिए तो पीछे नहीं हटते। आनंद सरदारी सर, सर प्लीज एक बार आगे आप आए, क्योंकि मैं शुरू करूँ इंस्पिरेशन सर सभी के लिए, चाहे वो एक कलाकार हो, एक युवा हो, एक परिवार हो, महिला हो, पुरुष हो, क्योंकि आप सबके लिए कार्य करते हैं और कोई भी मंच देने से कभी पीछे नहीं हटते। शिक्षा के क्षेत्र में आप कितने वर्षों से लगे हुए हैं लोगों को कॉम्पिटेटिव शिक्षा की ओर आगे बढ़ाते हुए, मुफ्त और फ्री शिक्षा के लिए भी आप पीछे नहीं हटते जो लोग उसके जरूरतमंद हैं। और वहीं आज जो ये वक्त हमें मिला है, ये सभी बच्चे जो आज हमारे बीच आए हैं, टैलेंट सबके पास होता है लेकिन मंच मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी ऐसा मंच जहाँ निस्वार्थ भाव से उन्हें ऑन स्टेज लाना और उसके बाद सबको उतना ही मौका देना। तो बच्चों, सारे बच्चे 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 एक बार, हाँ सारे बच्चे, किनको शोर मचाना आता है एक बार जोरदार हल्ला मचाओ और अपने जोश के साथ सर के लिए। और हमारे सभी बड़े एक बार तालियां बजाएं जोरदार आनंद सरदारी सर के लिए। एक बड़े भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में और हर वो रूप आप निभाते हैं। थैंक यू सो मच आनंद सर, हमें हमेशा मोटिवेट करने के लिए, चाहे वो नन्हे उस्ताद हो या पिकनिक साहब, वो सर के बिना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जो टैलेंट मिलता है वो आप ही के क्षेत्र से मिलता है। और जहाँ सर ने अगर एक बार किसी को आवाज लगा दी कि अनुज आप यहाँ आ जाओ और टैलेंट मैं लेकर आऊंगा, तो वहाँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग बच्चे होते हैं। 100 से ज्यादा बच्चे केवल ऑडिशन दिया था तो वो इस कैंपस के पास से था। थैंक यू सो मच आनंद सर, और वो आपकी मुहिम थी जो आपने एक मैसेज अपलोड किया तो सारे बच्चे यहाँ पर आ गए, और आज भी वो मैं देख रहा हूँ कि आपके एक मैसेज के जरिए इतना बड़ा जनसैलाब हमारे साथ है। और वास्तव में कोरोना काल को पीछे छोड़ने के बाद, हराने के बाद, ये पहला मंच मुझे भारी मांग मिलती, उन्होंने कहा कि अनुज वो पहला मंच हमें मिला है जो यहाँ ऑन स्टेज हमें आ रहा है और सबको साथ लेकर आया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और बिना देरी करने मैं चलता हूँ आगे की ओर। सर आप हमेशा लगे रहते हैं, चाहूंगा कि थोड़ी देर खुद को आराम दें, प्लीज बैठिए साथ और एंजॉय करिए। सो मैं यहाँ इन्वाइट करने जा रहा हूँ हमारे अगले टैलेंट को, प्रेरणा हमारे बीच आ रही है, वेलकमिंग प्रेरणा। आइए, प्रेरणा हो चुकी है आई गेस, जिनका भी मॉडलिंग में बचा हुआ परफॉर्मेंस वो आ जाए स्टेज के पास तो फटाफट उनका नंबर आ जाएगा। yes, प्रेरणा yes, 46 नंबर से। 46 पे बुलाता हूँ के बाद रेडी हो जाए रीना, रीना दरकसानी, बहुत बड़े जोरदार तालियां बजती रहे हर बच्चे के लिए। चलता हूँ
वंश वलीचा फॉर ओके फर्स्ट ट्रेनिंग आइए फॉर नाली स्मॉल इन check out the style in there Next one is Ishita Jain.
रखनी चाह रहे हैं गौरव देवनानी देवनानी स्वागत करेंगे तालियों के साथ भाई जोरदार एवरीवन कम ऑन शेयर आउट लव पलक सैनी आइए पलक सैनी
आइए ना ले आ। जोरदार तालियां दोनों बच्चियां देखिए एक जैसी दिख रही हैं। जोरदार तालियां चलेगी भी हो रही है। बाकी लोग बैठ जाएंगे ये थी जिविशा, जिविशा के बाद क्रीम। जजेस खुशी और साथ में है अर्चिता। Thank you.
कंजर्वेशन
बड़ी नाइस, बहुत खूबसूरत दोनों ही अवतार आपके बीच है, बेटी का स्वरूप और मां का स्वरूप एक साथ आगे आ जाए। जोरदार भाई सभी के लिए बहुत सुंदर से अवतार के लिए जो हमें ऑन स्टेज मिला है, म्यूजिक प्लीज एक बार ले लेते हैं। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां।